फिर करते हैं बात एक नई बात के साथ। क्या करेंगे? शुरू करेंगे खाने पीने की बात। तो चले चटोरे, नहीं 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 चला चटोरा नहीं चला चटोरा कुछ और खाने के लिए भाई। तो आज फिर एक नई दौड़ धूप, नए ब्लॉग। तो जनाबे अली, आज का चैप्टर 2 लोकल वॉक का एक नई रेसिपी। वैसे तो आप सब लोग बहुत भली प्रकार परिचित होंगे, खाने के शौकीन अपनी तरह तरह की रेसिपी बना करके उसको पूरा कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ये है, यानी उस खाने वाली चीज़ का नाम ये है। तो मैं तो रेडी हूँ, आप लोग कितने हैं वो चल के पता चलेगा। नहीं 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 वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। चलो जी, भूख लग रही थी, आज छुट्टी का दिन है, खाने का मन कर रहा था। आज घर पे खाने का मन नहीं था भैया, हम यहीं खाएंगे आपके साथ जो भी खाना होगा। बता दियो, अच्छा दे दियो। देखो आज बड़ी मुश्किल से आया घर से नहीं 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 घर से लड़के नहीं आया, कह कर आए लेंगे खाएंगे और लेकर आएंगे। ऐसा बोल लगा ना, घर जाके अब लड़ाई हो। नहीं नहीं, घर वालों के लिए लेकर जाएंगे और खुद भी खाएंगे, उनको भी खिलाएंगे। मैं तो फिलहाल यहाँ ज़रूर खा के जाऊँगा। तो देखो जी, रायपुर वाले पुल के नीचे के चौराहे पर, चौराहा थोड़ी है तिराहा है, तो चौराया हो गया, चौराया हो गया, अभी भी है, अभी भी है, तिराहा हो गया, यस तिराहा हो गया। तो भैया आप भी खाने के लिए आए हैं इनकी मूंग मखनी, हैं? कैसा लगता है आपको इनका खाने का? सा कब से खा रहे हो आप इनके यहाँ? 2-3 साल हमें हो गए, कम से कम 5 साल। इनके हाथ का जादू किसी दिन बनते हुए दिखाएंगे कैसे पकाते हैं और कैसे नहीं, मगर इसके लिए इन्हें इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। हाँ सीक्रेट है, वो बताएंगे तो है नहीं। यहाँ और जो जन है वो भी सब खाने पीने का शौक़ रखते हैं, ऐसी बात नहीं। समय समय पर खाते रहते होंगे आप भी? हाँ सब खाते रहते हैं। सर आपका नाम बताओ? नरेंद्र सिंह चौटाला। नहीं नहीं ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, नरेंद्र सिंह है, नरेंद्र सैनी है इनका नाम। सामने है राम लक्ष्मी फार्म हाउस और वो सामने है रायपुर का चौराहा। ऑर्डर कर दिया है, शाम को डेट है मेरी मेरी मिसेस के साथ। सर जी से पूछ ले, सर कैसा लग रहा स्वाद आज की बरसात में भी? स्वाद बढ़िया है, अब 30 साल हो गए खाते हैं। आपको 30 साल हो गए? लो हमें तो फेल कर दे इन्होंने, और जनों कितने को फेल करेंगे? इनके पिताजी थे जो लगाते थे वो लगा। तो आज भी स्वाद बरकरार है इनके हाथों का, यानी बाप भी और बेटा भी। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बेटा। मयंक भैया कैसा लग रहा है? तुम्हें तो अच्छा लगता ही है। खैर तो एक काम लो जी, तो जी जिन्हें मूंग दाल खाने का शौक है वो इस जगह को पहचान ले, ये रायपुर एरिया का रायपुर चौक का चौराहा है और यहाँ पर ये नरेंद्र सिंह जी की मूंग की दाल की दुकान छोटे से ठेले के रूप में है। जिसको भी खाना है वो एरिया ये है, सामने राम लक्ष्मी फार्म हाउस जैसे कि आप पढ़ पाएंगे देखिएगा। और ये हमारी कोटद्वार कोतवाली रोड है, कोतवाली कोटद्वार रोड, तो देखिएगा जिसको भी दिल करता वो ज़रूर आइएगा यहाँ पर और इस मूंग दाल का टेस्ट लीजिएगा कितना अच्छा टेस्ट हो सकता है।